राम राम जी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी स्वस्थ हैं। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान में की फेमस बेले की सब्ज़ी, जो बेसन से तैयार होती है। तो मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया, उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये थोड़ी सी अजवाइन है जिसको मैंने हाथों में मसल के डाल दिया है, और ये कसूरी मेथी डाल दी है, थोड़ा नमक डाल दिया है। और अब इसमें हम मोयन के लिए डालेंगे थोड़ा तेल, आप घी भी डाल सकते हो। तो मैंने तेल डाल दिया और देखिए ये मतलब मुट्ठी बन जानी चाहिए, तो इसका मतलब मोयन हमारा बिल्कुल सही डला है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बेसन का एक डो तैयार करेंगे, जो न तो ज़्यादा टाइट होगा और न ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बीच का सा तैयार करेंगे। ये डो हमारा बन के तैयार हो गया, मैंने तेल लगा के इसको मसल के रख दिया है। अब हम इसके पतले पतले बेले तैयार करेंगे। तो देखिए मैं हाथों के बीच में मसल के इसको पतले पतले इसके बेले तैयार मैंने कर लिए। पतीले में मैंने पानी उबाल लिया है, तो उसके अंदर हम बेले डाल के इनको अच्छे से उबाल लेंगे। बेले भी हमारे उबल के तैयार हो गए, मैंने छान लिया इनको। जो ये पानी हमारा है ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, ग्रेवी में काम में लेंगे। ये मैंने एक कटोरी दही लिया, उसमें डाल लिया मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये डाल ली हल्दी और नमक डाल लिया स्वाद के अनुसार। नमक हमने पहले भी डाला तो उस हिसाब से डाले। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। कढ़ाई में कर लिया मैंने तेल गरम, उसमें डाल दिया जीरा, थोड़ी हींग, दो साबुत लाल मिर्च, एक तेज पत्ता और अब इसमें मैंने एक बड़ा प्याज और दो हरी मिर्च को काट के डाल लिया है। इनको अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने घोल तैयार किया था दही और मसालों का, उसको धीरे धीरे डाल के मिलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, नहीं तो दही फट जाएगा। देखिए हमारा दही बिल्कुल, ग्रेवी बिल्कुल पक्के तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर तेल भी आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बेले और उनको धीरे धीरे हल्के हाथों से मिलाएंगे, नहीं तो बेले टूटने लग जाएंगे। और ये देखिए पानी जो मैंने रखा था ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा पानी इसमें डाल दूंगी। मैं इस सब्ज़ी को थोड़ा सा पतला रखूंगी क्योंकि ठंडी होने के बाद ना ये वैसे ही गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। सच में विश्वास कीजिए ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।